मायावती के भतीजे आकाश आनंद की बदजुबानी जारी है। सीतापुर की रैली में आकाश आनंद ने बीजेपी सरकार की तुलना आतंकवादियों और तालिबान से की। ऐसा शासनकाल पता है कहाँ होता है? जहाँ बच्चे भूखे रहें, जहाँ बहन बेटियों पे अत्याचार हो, जहाँ युवा बेरोजगार हो, जहाँ जनता फ्री राशन के नाम पे गुलाम बना दी जाए, ऐसी सरकार आतंकवादियों की सरकार होती है। ऐसी सरकार तालिबान अफगानिस्तान में चलाता है। साथियों, इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। एक तरफ आकाश आनंद सरकार को आतंकवादियों की सरकार कह रहे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि उसके शासन में आतंकवादी थर थर कांपते हैं। आज देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हुआ है। आप याद करिए, कांग्रेस के समय में क्या होता था? जब यूपीए की सरकार थी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने बिना मांगे उन्हें समर्थन दिया था, तब आतंकी विस्फोट होते थे और कहा जाता था कि इस आतंकी विस्फोट के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। आकाश आनंद सिर्फ बीजेपी को तालिबानी कहने पर ही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले वोट मांगने आए तो उनके लिए जूता, चप्पल और लाठी तैयार रखो। तो आप बताइए, क्या इन लोगों को वोट बनता है कि नहीं? वोट नहीं बनता तो क्या बनता है? जूता, चप्पल या लाठी? क्या तीनों मारोगे? तीनों मारोगे? ठीक है साथियों, तो एक एक जोड़ी चप्पल निकाल लीजिए, एक एक लाठी निकाल लीजिए और एक एक जूता निकाल लीजिए। वोट मांगने आए, उसी हिसाब से उसे वो चप्पल, जूता और डंडा मार मार के उसको बता देना कि जो तुम लोगों ने हमारे से शिक्षा छीनी है, उसका उसके बदले तुम्हें वोट नहीं, ये डंडा मिलेगा। आकाश आनंद ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एनसीआरबी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 16,000 किडनैपिंग हुई हैं और आरोप लगाया कि यूपी सरकार बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर सकती। नेशनल क्राइम ब्यूरो का डेटा कहता है कि उत्तर प्रदेश में 16,500 से ज्यादा किडनैपिंग के केस दर्ज किए गए। अब आप ही बताइए, जहाँ पे बच्चे, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, हमारे छोटे छोटे बच्चे भूखे रह रहे हैं, जहाँ पे किडनैपिंग बढ़ती जा रही है, तो ये बुलडोजर की सरकार तो नहीं है। साथियों, मैं मानता हूँ कि ये बुलडोजर की सरकार नहीं है। साथियों, जो ये सरकार है, जो ये बुलडोजर की सरकार नहीं, ये गद्दारों की सरकार है, गद्दारों की सरकार है। आकाश आनंद चुनावों में ज्यादा ही हमलावर नजर आ रहे हैं। ये अलग बात है कि बीएसपी का इन चुनावों में बहुत ज्यादा जोर नजर नहीं आता। खुद मायावती भी इक्का दुक्का मौकों पर ही बीएसपी के लिए वोट मांगती नजर आई हैं और आकाश आनंद तो खुद भी चुनावी राजनीति में नहीं उतरे हैं। अब आकाश आनंद के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है। आकाश आनंद अपनी रैलियों में कह रहे हैं कि बीएसपी धन्ना सेठों से चंदा नहीं लेती, लेकिन मायावती जब यूपी के मुख्यमंत्री थी तब अरबों रुपए का एनआरएचएम यानी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन घोटाला हुआ था, जिसमें कई डॉक्टर्स की हत्या भी हुई थी। उस वक्त के पीएम मनमोहन सिंह ने भी मायावती पर पैसों के गड़बड़ झाले का आरोप लगाया था।